Welcome to my YouTube channel, How I Was. मौजूद नाजरीन, खबरों, तबसरों, तज़ियों, रिपोर्टों पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुल्फ़िकार हैदर सिद्दीकी। अस्सलामुअलैकुम। आप देखें, पहले IMF को लिखा है इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, यानी इकोनॉमी को पहले ही दबा है। और बात है कि IMF ने उनको टका से जवाब दे दिया। जब वहाँ से टका से जवाब मिला है, अब सुनील ये है कि यूरोपीय यूनियन को खत लिखा है इन्होंने। मैंने तस्दीक तो नहीं की, लेकिन खबर भी अभी मुझे मिली। अगर ऐसा है तो कोई हैरान कौन बात नहीं, इसलिए कि PTI की ये तारीख है, PTI की ये तारीख है कि वो रियासत के खिलाफ कुछ भी करना पड़े कर जाएगी। यूरोपीय यूनियन को खत लिखने का मकसद ये है कि GST प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान को दिया हुआ है यूरोपीय यूनियन ने, उसको वो वापस ले। क्यों? उनके अपने जो कानून है उसके मुताबिक GST प्लस का स्टेटस उसको देंगे, चाहे होम टैक्स की खिलाफ वर्जी उस तरह की बड़ी पैमाने पर उनके हिसाब से ना हो रही हो। इन्होंने जो लिखा है कि होम टैक्स की बहुत बदतरीन खिलाफ वर्जी हो रही है और ये और वो सारा, ये आप जो है ना इसका स्टेटस चेंज कर। आप जानते हैं अगर GST प्लस का स्टेटस वापस दे रही है यूरोपीय यूनियन में, तो पाकिस्तान के एक्सपोर्टरों का क्या हाल होगा? पाकिस्तान के एक्सपोर्टर दिवाली हो जाएंगे और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से नीचे चला जाएगा, अभी भी बहुत कम है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को डॉलर नहीं, डॉलर की आमद कम हो जाएगी, बहुत कम, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल खराब हो जाएगा, आपका बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा और पाकिस्तान में डॉलर की जब कमी होगी तो रुपया डिवैल्यू होगा और ऐसी सूरत में महंगाई का एक जबरदस्त तूफान आएगा, जबरदस्त तूफान, तो आवाम उसको अल्टीमेट रुकते हैं। ये है तहरीक इंसाफ, ये बेशक कुछ भी हो अपना मवाद फिर आवाम के मवाद की ऐसी ऐसी आवाम जाए बाहर में, तो ये तो इनका पुराना वतीरा है। और आप इतने जुर्म करके भी कोई मजलूम बन सकता है, मैं हैरान होता हूँ अपने दौर हुकूमत में इन्होंने क्या क्या जुलम नहीं किए अपोजिशन के खिलाफ। मैं कोई अपोजिशन का तर्जमान नहीं, उनको कभी मैं तनकीद किया, लेकिन इमरान खान और उसकी पार्टी जमहूरियत और जमहूरी असूलों की बात करें तो ये मुझे हैरत है। सारे दिन पौने चार साल में तमाम जमहूरियत और जमहूरी असूलों को पामाल किया इसने, आप इसे अपने ह्यूमन राइट्स याद आते क्या आएगा ह्यूमन राइट से भैया? आप जिस जेल में हैं उस जेल में तो हर मिडिल क्लास का बंदा तमन्ना करेगा हमें वहाँ रख दो। देसी मुर्गी देसी घी में आपको पका के खिलाया जाता है, बकरे का गोश्त, दो मुशक्कती, दो कैदी जो आपको मुलाजिम में ले रहे हैं, मनी गाजा में भी आप मुलाजिम पे हुकुम चलाते थे, यहाँ भी आपको मुलाजिम, आप खुद कैदी है सजा याफ्ता, आप दूसरे कैदी पे हुकुम चला रहे हैं, आपको एक्सरसाइज की जरूरत है, एक्सरसाइज मशीन हुकूमत ने आपके आपको भेजा, आप उसमें एक्सरसाइज करते वहाँ जेल में आते में सैरकदमी के लिए पूरा बड़ा स्पेस आपको दिया गया। टीवी टेलीविजन रसायल अखबार कौन सी सहूलत जो आपको हासिल, जो बाहर थी और जेल में थी, आपको सारी सहूलियात तो हासिल है, तो फिर कौन सा ह्यूमन राइट्स है? काई की ह्यूमन राइट्स है जो आप वाबिला कर रहे हैं कि यहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आप अपने दौर में और अब भी पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस भी लिया। यहाँ अगर ह्यूमन राइट्स देखना है खिलाफ वर्जी, जाइए पाकिस्तान के किसी भी थाने में, गाँव देहात में नहीं, शहर में, इस शहर के किसी थाने में जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ का SHO किस तरह फरोन बना हुआ है और मासूम लोगों पर किस तरह तशद्दुद करता है, और रिश्वत की आवाज उसको गिरफ्तार करता है, फिर छोड़ता है। तो मेरे साहब को वहाँ नजर नहीं आता, वोटर वे पे आपके दौर में उस खातून के साथ क्या बेहरमती हुई उसकी, और फिर आपका रिस्पॉन्स क्या था, और आपके शहीद CPO का क्या रिस्पॉन्स था, और का जो CPO था, आप उस अपने जमाने में खुवातिन के खिलाफ जराई में क्या कुछ कहते थे, आपको जहर देता था, वुमेन राइट्स उस वक्त भी तो था, उस खातून के भी वुमेन राइट्स थे। वुमेन राइट्स देखना है ईंटों के भट्टे के कारखानों में खवातीन और बच्चों की जबरी मुशक्कतों को देखे जाके, वुमेन राइट्स देखना है तो सिंध में निजी जेलों में देखें, अभी उस बच्ची के साथ क्या हुआ, वो पीपल्स पार्टी के MPA थे पहले, बहुत असर रसूख रखने वाला, वो पीर था, पीर कहने को पीर था, हकीकत में वो इंसान भी नहीं, उसने बच्ची का कत्ल किया और उसने बहुत सारे इल्जाम है और मुस्तकिल हुकूमत उसको बचाने में कई तफसीसी अफसर तब्दील हो चुके, मीडिया का प्रेशर ना होता तो आपकी छूट भी चुका। तो सवाल यह है कि इंसानियत को पाकिस्तान के हर सूबे में और हर जगह मौजूद है, लेकिन उसको हल कौन करेगा? यूरोपीय यूनियन, IMF भाई, तुम उपरान तबके से हो, आपका तबके से हो, अपोजिशन की भी बड़ी सेह होती है जमहूरियत में, आप लोगों ने मिलकर इसको सिस्टम को चेंज करना है ना, वो आप नहीं कर रहे, लेकिन आप जेल में है तो समझता है। तो याद रखिए, आप जितनी भी कोशिश करें खान खान साहब, आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी कि आप जुडिशरी को जुडिशरी नहीं, साकिब निज़ार और बंदियाल की जुडिशरी नहीं, जस्टिस फाइव की जुडिशरी है और उम्मीद है इसकी
के पीछे जो जा रहे हैं वो भी बहुत लैक ऑफ एक्शन और एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा आर्मी चीफ जो बिल्कुल शासन से दूर अपनी अपने दायरे को उन्होंने रखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा रेजिम चाहे वो जुडिशरी की हो चाहे आर्मी की हो उन्हें उन्होंने ये सबक सीख लिया है कि अपने अपने दायरे में अपने अपने हदूद में काम करना चाहिए। हदूद तेजावत अपने हदूद से तेजावत और किसी के हदूद में इंक्रोचमेंट नहीं करना यही सिखाता है मेरे मुझे। इमरान खान ने तो पूरे दौर में एस्टेब्लिशमेंट को ही आगे रखा बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की बहुत में बैठी हुकूमत जिसका नतीजा उसने भुगता गैर मंतगी गैर फितरी था कि आप जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के गोद में बैठे हुकूमत करें अवाम ने आपको वोट दिया है हुक्मरानी करने के लिए और वो आपके हुक्मरानी आपको दिया है आप वो आपके हुक्मरानी आप एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट कर दें तो अवाम के वोट से निकलता है। आप कहते हैं मैं एक सवाल करता हूँ अगर इस मुल्क पर कोई हमला करे आप उससे मोहब्बत करेंगे कभी भी नहीं। कल भूषण यादव हो जिसने पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के हवाले से बहुत सारे हिंदुस्तानी की बात करें तो हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम आए तो आप उसका इस्तकबाल करेंगे वाले आना हिंदुस्तान से कोई शायर मौसीकार या एक्ट्रेस आ जाए तो आप उनको बहुत इज्जत करते हैं और उनको बहुत एहतराम देते हैं मुझे नफरत नहीं करते। साबित ये हुआ कि हिंदुस्तानी नफरत के लिए हिंदुस्तानी होना ज़रूरी नहीं है नफरत के लिए ज़रूरी है कि वो आप पर हमलावर हो आपके खिलाफ हो आपकी रियासत के खिलाफ हो तो आपकी रियासत पर कोई हमला करे आप उससे मोहब्बत नहीं करें सिंपल सी बात है। तो 9 मई में जिन्होंने हमला किया आप उससे मोहब्बत कर सकते हैं पाकिस्तान का 1/25 करोड़ आवाम में से एक शख्स ऐसा नहीं होगा कि वो उससे मोहब्बत किसी सूरत में नहीं करे क्योंकि रियासत पहले है लीडर बाद में है ये मुमकिन ही नहीं है। सवाल यह है जो लोग रियासत पे हमला करें उनकी बात आप मानेंगे उनके अहकाम आप मानेंगे उनकी किसी अपील पर काम करेंगे नहीं उनको हिमायत देंगे अपनी किसी भी मामले में नहीं। तो वोट भी तो हिमायत का नाम है ना वोट देना भी तो हिमायत है ना तो वोट देंगे मेरा सवाल मेरा जवाब है नहीं आपका जवाब भी यही है कि जो रियासत पे हमलावर हो ये बात साबित हो गई कि आला क्यादत ने ये हमला करवाया आदि मौजूद है तहकीकात से साबित हुआ है जिसका मतलब है पार्टी इन्वॉल्व है। मैं तमाम कारकुनों की बात नहीं कर रहा उनको तो पता भी क्या हुआ चाहे वो खुद दम बखुद है सकते में ये क्या हुआ मुझे खुद पता नहीं है। 7-8 लाख जो इनके नंबरान है उन बेचारों को ही पता चंद हजार को उन्होंने मंतखब करके जहन साजी की और ये कार्रवाई की। तो सवाल ये है कि आप उनको अपनी हिमायत नहीं हिमायत वोट के जरिए दी जाती है। तो मौजूदा इलेक्शन जो हुए 2024 के इसने ये वाबिला की दाल ली हुई है कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया दाल ली तो हुई है मगर कैसे हुई है पीटीआई के खिलाफ नहीं हुई पीटीआई के हिमायत में हुई है पीटीआई की हिमायत में डाल दी हुई है। पीटीआई ने 4.5 साल का हर महकमे में अपने मिलिट्री कारकुनों को दाखिल कर दिया था जो बाद में प्रेसिडिंग ऑफिसर बने और उन्होंने निचली सतह पर नतज में हेरा फेरी की फॉर्म 45-47 का मसला यही है। आप बहुत सारे बड़े लीडर जो नून लीग के आ रहे हैं वो सर पीट रहे हैं वो हारे नहीं है वो गांधी के जरिए हरवा दिए क्या राणा सनाउल क्या ख्वाजा सादर जैसे लोग हारने वाले इनको हरवाया गया हर जगह यही हुआ है। इमरान खान को उसकी पार्टी जितवाने के लिए गांधी के लिए कहते हैं ना गांधी भी देखे तो वहाँ गांधी भी उसका एक अर्ज भी करा लिए एक सादा सा उसूल है जिसने रियासत पर हमला की हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे 25 करोड़ में हिमायत नहीं करेंगे और ना हिमायत करेंगे ना हिमायत देंगे। तो वोट भी हमारी हिमायत का एक जरिया है तो वोट आवाम ने बड़ी तादाद में दिया हो नहीं दिया क्यों आवाम रियासत से मोहब्बत करती है उसकी रेड लाइन रियासत है इमरान खान की रेड लाइन तो इमरान खान है। तो लिहाजा ये अगर इस सूल को मान लिया जाए ये बात समझ में आती है कि दांडी हुई है लेकिन दांडी पीटीआई की हिमायत में हुई पीटीआई को जितवाने के लिए अगर ये तहकीकात होगी तो वाज़ेह तौर पर सामने ऐसी सूरत में वो जो कहते हैं कि जी अब हम असेंबली में जाएंगे असेंबली में चलेंगे तमाम इलेक्शनों में हिस्सा ले लिया सदारती इलेक्शन तक कहते हैं हम असेंबली में चलने नहीं देंगे आपके बाप की जागीर है आप चलने नहीं दोगे अकलियत अक्सरियत तो डिक्टेट रहेगी आपकी जागीर थोड़ी है कि आप असेंबली नहीं चलने दोगे आप हुकूमत न चलने आप हुकूमत को मफरूज करो जो तुम्हारा काम है हुकूमत के खिलाफ सफे आ रहा होगा रियासत के खिलाफ ना बात हो ना हो और रियासत के किसी अदारे के खिलाफ इसकी इजाजत कौम नहीं देगी जब तक एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी इंटेलिजेंसिया सिविल सोसाइटी और मीडिया इस बात पर मुतफिक ना हो कि आज के बाद ना हम ऐसे लोगों की हिमायत करेंगे ऐसी तंजीम की जो रियासत के मुखालिफ होगी न ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट करेगी मीडिया रियासत के मुखालिफ बयानबाजी करें और तकरीरें करें तकरीर की आज़ादी है आइन में
ये नहीं है कि आप रात इंकलाब तक नहीं कह रहे हैं और किसी की पगड़ी उठा रहे हैं और दो नंबर ही कह रहे हैं और पांच से वो तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, तकसीम दर तकसीम, नफरत दर नफरत, ये इसके इसकी जरूरत नहीं। 9 मई में मनसूबा यही कि गोलियां चले, लेकिन वहाँ का कमाल और समझदारी का मुजाहरा किया गोलियां और गोलियां नहीं चले, नुकसान बर्दाश्त कर लिया मगर बड़े नुकसान से बच गए, जिसके तहत आवाम को फौज के खिलाफ सफ़े आरा करना था, नफरत पैदा करनी थी और फौज और आवाम में तो बहुत ज़्यादा नफरत पैदा करना। अगर पाकिस्तान को कमजोर करना है तो पाकिस्तानी फौज को आवाम से लड़ा दो, ये फार्मूला है जो उनको दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज एक दानिशमंद शोर रखने वाली तबीयत याफ्ता और बहादुर फौज है, पाकिस्तान की आवाम ज़हीर समझदार और दिलेर आवाम है, वो समझती है कि सही क्या है और गलत क्या है, शोर रखती है, बेवकूफ़ नहीं है। इमरान खान ने इस आवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है, जैसे चाहिए वैसे चलाएंगे। आप पूरे पाकिस्तान में 50,000 का जलसा नहीं कर सकते, अब पहले की बात नहीं कर रहा, किसी मुजाहरे में एक किसी एक मुजाहरे में 5,000 अफराद जमा नहीं कर सकते, 25 करोड़ आवाम से कैसे लड़ोगे भाई इतनी कलील तादाद में, और जो लोग जमा होते हैं वो इनके टाइगर फोर्स के होते हैं, वो टाइगर फोर्स के होते हैं बैन अल-अक़वामी तौर पर। आप ये देखें इस शख्स की इतनी सहूलत हासिल है कि अपने बेटे से टेलीफोन पर बात ना कराए तो अदालत चले जाते हैं, अरे वो बेटे तुमसे मिलने के नहीं आते, वो बेटे जो नानी यहूदी नानी के घर परवरिश पा रहे हैं, खैर हमें उससे क्या गल, लेकिन वो तो तुमसे मिलने भी नहीं आते, तो क्यों टेलीफोन करते हो, तो कोई या मुकदमा थोड़ी मिलने को आ सकते हैं ना, वो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, तो ब्रिटिश सिटीजन है पाकिस्तानी है ही नहीं, अपने बच्चों को तो महफूज रखा हुआ है और कौम के बच्चों को कहते हैं कि आओ और लड़ो हमारे लिए, मार खाओ जेने को तो तशद्दुद बर्दाश्त करो मुकदमा सोचो, और अपने बच्चे को वहाँ पर रखो। आप अंदाजा रहे ये शख्स खुद जेल में आला क्लास में पाकिस्तान के मुताबिक 3-4 स्टार के होटल के सब सहूलत, उसमें आप रिहायश पसीर हैं, लेकिन बाकी आपके कारकुनान बकौल आपके हजारों कारकुनान जेल में उनको कौन सी सहूलत हासिल है, वो तो आम कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप तो उसके अपने कारकुनों के लिए अपने जैसा माहौल फराहम करने की जद्दोजहद करते, लेकिन नहीं आपको अपनी छाप पड़ी हुई है हमेशा से, आप सेल्फिश आदमी है, आपने यही किया है, पाकिस्तान को क्रिकेट का मैदान और यहाँ के सियासत को क्रिकेट का खेल समझा हुआ है, क्रिकेट के खेल में तो टेम्परिंग भी है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं जुआ भी आप खेल चुके हैं, अपने साले साहब के साथ जुआ खेलने का इतराब भी कर चुके हैं, तो क्रिकेट में तो जुआ भी खेला जाता है, पाकिस्तान की सियासत में भी क्या नहीं गंद है, लेकिन आप एक उस गंद में एक बड़ा साथ भी है, रेड गोल्ड स्मिथ मेयर का इलेक्शन जो लंदन का लड़ रहा था उसके मुकाबले में एक पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा वो इलेक्शन लड़ रहा था और वो जीत गया। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कंपेन में इमरान खान यहाँ से गए और अपने साले की इलेक्शन कंपेन चलाई सादिक खान के खिलाफ, सादिक खान जो मेयर का इलेक्शन जीत गया, और बात है कि सादिक खान जीत गया लेकिन अंदर का इमरान तो सामने आ गया कि आज भी वो अपने यहूदी साले के लिए अपनी पाकिस्तानी शनाख्त को घायल कर सके, आज भी उसका ताल्लुक अपने जो यहूदी रिश्तेदारों से टूटा नहीं है, आज भी उसी तरह मजबूत है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि यहूदियों से मोहब्बत ना होगी उसको। उसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, मजीद खबरों तबसरों तजियों और रिपोर्टों के लिए आइंदा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।